अब मैं आपको भोपाल के जंगलों का किस्सा सुनाता हूँ। क्या वहाँ भी बात जम गई? नहीं, जंगल में बात क्यों जमेगी भाई, वहाँ पर मैं शिकार करने गया था। कर तो जंगल में ऐसा कुछ हुआ कि मैं और मेरे चंद साथी थे और हम लोग शिकार कर रहे थे और आदमखोर शेर लेटा हुआ था। अब मेरी नजर शेर में पड़ी, मैंने उठाई अपनी बंदूक और दाग दी गोली शेर पे। अब शेर भी साला स्मार्ट था, शेर भाग रहा है, मेरी गोली भी पीछे भाग रही है। शेर आगे आगे, गोली पीछे पीछे। शेर ने मुड़ के देखा और सोचा कि मैं दाएं मुड़ जाऊं। वो दाएं मुड़ गया, अब गोली भी मेरी थी, हाँ? गोली भी दाएं मुड़ गई, अब शेर भाग रहा है, गोली भी भाग रही है। शेर बाएं मुड़ गया तो गोली भी बाएं मुड़ गई, तो शेर टेंशन में आ गया। अब शेर छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गया, गोली भी छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गई। अब शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे। अरे यार मास्टर जी, जब फटे तो सीना जरा शेर को मरने तो दो यार। हाँ तो कहा जाए, हम शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल, गोली भी शेर डाल डाल, गोली पात पात। अब शेर इस डाल से उस डाल पे कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, और गोली भी कूद रही है। मेरी गोली थी, कूद रही थी वो अपना। अब शेर पोपट की तरह टेंशन में आके बैठ गया कि ये गोली का चक्कर क्या है, आखिर किसने मारी। अब गोली भी सामने खड़ी है कि मैं तो लगूंगी। शेर ने तुरंत कुछ सोचा और देखा कि सामने खड्डा है, तो वो खड्डे में कूद गया, गोली भी खड्डे में कूद गई, और तब जाके गोली लगी है और शेर मरा है। राहुल विला को राम राम, अरे बाप, ऐसी बंडलबाजी पहले कभी नहीं सुनी। आप लोग समझ रहे हैं, फिर से फेंक रहा हूँ। फेंक रहे हैं आप मास्टर जी? क्या है यार, आवाज तक नहीं निकल रही है। देख भाई, मैं छोटा मोटा रफू करने वाला हूँ, थोड़ा सा फटे तो सी लेता हूँ, मगर तुमने तो कपड़ा फाड़ के छीतड़ा कर दिया। मेरा बाप नहीं जी सकता उसको, ये अपने बस की बात अरे नहीं। अरे यार मास्टर जी, अरे लानत भेजो हट। अरे यार आपने तो सरे बेइज्जती करा दी मेरी भाई।